नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आईटी ज्ञान में। दोस्तों, ये खबर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है कि एप्पल आपके आईफोन की सारी फोटोज़ डिलीट करने वाला है और बहुत जगह इस तरह की न्यूज़ आ रही है, लेकिन कोई भी कंप्लीट डिटेल नहीं दे रहा है। और अगर वो दे भी रहा है तो लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा है ये मामला क्या है। तो आज इस वीडियो में आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। एक वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि ये फेक न्यूज़ है या सच में ऐसा होने वाला है और क्या होने वाला है, बेसिकली इसकी हकीकत क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सारी की सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शुरू से। 2011 में एप्पल ने एक सर्विस लॉन्च की जिसका नाम है माई फोटो स्ट्रीम। इसमें होता क्या है, जैसे आप अगर नॉन एप्पल यूज़र है, आपके पास आपके फ़ोन में एंड्रॉयड में आपने देखा होगा एक गैलरी का सिस्टम होता है, वैसे ही एप्पल में होता है। आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एप्पल एक ऑप्शन देता है कि आपने जो भी फ़ोटोज़ ली हैं वो वहाँ पर श्रिंक हो जाती हैं। मतलब आपने एक फ़ोटो ली और वो फ़ोटो कुछ इस तरह से श्रिंक होती है कि आपके आपने कोई और डिवाइस यूज़ किया है। मान लीजिए आपने फ़ोन से फ़ोटो ली है, आईफोन से, और आपके पास आईपैड है और एप्पल का मैकबुक है, तो अगर आपने एक ही आईडी हर जगह यूज़ किया है तो वो फ़ोटो अपने आप आपको सारे डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगी। आपको ऐसा कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। तो बस आपको फ़ोटो लेनी है और वो फ़ोटो आपके सारे डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगी। और इस सर्विस का नाम है माई फ़ोटो स्ट्रीम। और आपको बता दें ये भी कि यहाँ पर लिमिट होती है, कुछ आपको लास्ट 30 डेज़ की फ़ोटो देखने को मिलती है और फ़ोटोज़ की लिमिट 1000। जी हाँ दोस्तों, ये लिमिटेशन यहाँ पर है, आपको लास्ट 30 डेज की फोटो सिंक होगी और आपको 1000 फोटो तक का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी जो मार्केट में खबर है वो यही है कि एप्पल इस पर्टिकुलर सर्विस को बंद कर रहा है, ना कि आपका डेटा डिलीट कर रहा है। एक तरीके से हम समझेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बेसिकली जब आप कोई भी फ़ोटो लेंगे, तो मान लीजिए आप एक फ़ोन से लेंगे या आपने आईपैड से लिया, तो आपके वो मल्टीपल डिवाइसेस में श्रिंक हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल फ़ोटो आपके उसी डिवाइस में रहेगा जहां से आपने वो फ़ोटो लिया था। तो उस डिवाइस में वो फ़ोटो तो रहेगा, लेकिन बाकी जो डिवाइसेस हैं जहां पर आप और उस फ़ोटो को देख रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पर ये फ़ोटो आपको देखने को नहीं मिलेगा 26 जुलाई के बाद से। जी हां दोस्तों, ये है मेन खबर। एप्पल इस सर्विस को स्टॉप कर रहा है और वो कह रहा है कि आप इस सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अभी तक कोई फ़ोटो लेते थे तो आपने देखा होगा 26 जून से ही जो फ़ोटो श्रिंक होना था वो बंद हो गया। मतलब कि 26 जून से ही एप्पल ने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया है। तो बेसिकली एप्पल ने इस सर्विस को पहले ही रोक दिया है। और अगर आप 26 जून के बाद से कोई भी फ़ोटो ले रहे हैं तो आप वो मल्टीपल फ़ोन्स में देखने को नहीं मिल रही होगी। एप्पल ने वो काम सिंक्रोनाइजेशन पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो यही कहा जा रहा है कि एप्पल आपके फ़ोटो डिलीट कर देगा, आपका डेटा डिलीट कर देगा। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा कि मान लीजिए आपने आईफोन में कोई फ़ोटो ली है, आप उसे अपने मैक पे एक्सेस करते थे, देखते थे, लेकिन 26 जुलाई के बाद से आपको वो फ़ोटो वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने वो फ़ोटो अभी भी आपने आईफोन पे रखी है लोकल में, तो वो आपको वहाँ से एक्सेस करने को मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। एप्पल आपके लोकल ड्राइव में आके कुछ भी नहीं करने वाला है। और ऊपर से एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको वो फ़ोटोज़ आपको मैक में ही एक्सेस करनी है, लैपटॉप में ही एक्सेस करनी है, तो आप वहाँ पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं लोकल अपने लैपटॉप के ड्राइव में। तो आपके पास ये ऑप्शन है और ये आप 26 जुलाई से पहले पहले कर सकते हैं। तो इसका रीज़न समझते हैं, एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि हर कोई अपने क्लाउड को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो एप्पल क्या करता है, आई क्लाउड आपको देता है जिसमें 5 GB तक का स्पेस रहता है। आई क्लाउड में आप सिर्फ ना कि फ़ोटो बल्कि बाकी जो डेटा होता है उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं एक डिवाइस से और मल्टीपल डिवाइसेस से शेयर कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। और लेकिन आपको यहाँ पे ये मैन्युअली करना पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो फ़ोन से खींची, आपने आई क्लाउड के थ्रू अपलोड किया और श्रिंक किया, दूसरे डिवाइसेस में मिल जाएगा। तो एप्पल यही चाहता है कि आप आई क्लाउड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो इसे प्रमोट कर रहा है। 5 GB आपको फ्री में दे देता है, लेकिन उसके बाद आपको इसे परचेस करना पड़ता है ज़्यादा स्टोरेज के लिए। तो एप्पल जब माई फोटो स्ट्रीम को बंद कर देगा तो आपको वही ऑप्शन यूज़ करने के लिए कहेगा या फोर्स करेगा कि आप आई क्लाउड को यूज़ करिए और इसके थ्रू सर्विस को एक्सेस करिए। और जब आपके पास ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो आप, हो सकता है कि क्लाउड परचेस करें, स्टोरेज को परचेस करें। तो बेसिकली ये फंडा है। तो अब भी आप ये कर सकते हैं कि अपनी सारी जो फ़ोटोज़ हैं माई फोटो स्ट्रीम में, उसे आप सेव कर सकते हैं। आपके पास 26 जुलाई तक का टाइम है और उसके बाद आप जब फ़ोटो स्टोर करना होगा, आपको कोई चाहिए होगा, कोई भी क्लाउड स्टोर है, तो आप आई क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। आई क्लाउड ऐसे ही है कि जैसे कि मार्केट में और कोई दूसरा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपको बता दें गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, ये जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमने एक वीडियो में बात किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में ये समझ आ गया होगा कि एप्पल क्या कर रहा है, आपकी फ़ोटो डिलीट कर रहा है या कोई सर्विस स्टॉप कर रहा है। और आपको जो इस तरह के रूमर्स देखने को मिलते हैं, जो आधी अधूरी खबर मिलती है, उससे आप पूरी तरह से
दूर रहेंगे कि आपको कोई भी मिसलीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिसलीडिंग न्यूज़ आ रहे हैं। इवन कुछ न्यूज़पेपर ने भी छापा है कि एप्पल इस सर्विस को बंद कर देगा, लेकिन लोग पढ़ना कम चाहते हैं तो उन्हें डिटेल पता नहीं चलती है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि एप्पल सिर्फ माई फोटो स्ट्रीम सर्विस को बंद कर रहा है, आपकी फ़ोटो डिलीट नहीं करेगा। और अगर आपके मल्टीपल डिवाइसेज में कोई फ़ोटो है, लोकल ड्राइव में, किसी और डिवाइस में है, तो आप उसे दूसरे डिवाइस से सेव कर सकते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। और आगे के लिए फ़ोटो स्टोरेज के लिए आप iCloud का यूज़ करें। ये बहुत ही सिंपल सी बात है और सिंपल सा फंडा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। 26 जुलाई से पहले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।